अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 23 जुलाई 2020 जुमेरात का दिन है और आपको बताते चलें कि सुप्रीम कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट टू वीक्स में जो है वो नहीं हुई थी। ना ही कोई उनकी मीटिंग के बारे में इतलाई हुई थी, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, बल्कि सिर्फ अचानक पता चल जाता है कि सुप्रीम कमेटी ने यह फैसला किया और यह अनाउंसमेंट है। सो आज इंशाल्लाह सुप्रीम कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें मोस्टली जो चीजें डिस्कस की जाएंगी वो लॉकडाउन के बारे में है, क्योंकि आपको पता है कि 25 जुलाई से 8 अगस्त तक जो है वो लॉकडाउन है। ईद की छुट्टियां भी इसके दरमियान में आएंगी, तो उन सारी चीजों के बारे में और सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स भी मस्कत गवर्नरेट के अंदर भी सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स वो लगाई जाएंगे, जैसे दारसा, ध्रुवी, हमरिया, मथुरा में थी पहले, वो दोबारा से इंस्टॉल की जाएंगी। उसके अलावा बाकी जो गवर्नरेट्स हैं, जितने भी बाकी इलाके हैं मस्कत से बाहर, जितने भी गवर्नरेट्स हैं, यानी एक स्टेट का दोस्ती के साथ, या आप कह सकते हैं कि पूरे ओमान में जो है वो लॉकडाउन जो है वो सख्त किया जाएगा, ताकि मिनिमम से मिनिमम जो है मूवमेंट हो। स्पेशली शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है वो कहा गया कि स्ट्रिक्टली नथिंग विल बी ओपन, कोई शॉप मार्केट कुछ भी ओपन नहीं होगा। इन तमाम चीजों के बारे में यार डिस्कशन होगी और मजीद के कोरोना के लिए जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको लोग क्यों फॉलो नहीं करते, जबकि एयरपोर्ट्स ओपनिंग और लॉकडाउन के बाद जो है वो क्या होगा, वो तमाम चीजें जो हैं वो सारी आज डिस्कस की जाएंगी। इसके अलावा उम्मीद करते हैं कि जितने भी डिसीजन होंगे वो अच्छे होंगे और आने वाला वक्त जो है वो हम सबके लिए अच्छा होगा। ये लॉकडाउन जो है ये पहले की तरह नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि अथॉरिटीज के मुताबिक सख्ती से पेश आया जाएगा और आवाम को भी चाहिए कि वो नरमी के साथ इस चीज पे अमल करे और घरों में रहे। जबकि स्टोर्स की जितने भी हैं जहां से हम डेली यूज की यानी रोजमर्रा इस्तेमाल की जो अशिया खरीदते हैं, मेडिकल इवन मेडिसन, उसके अलावा जरूरती अशिया जो हैं, उन तमाम स्टोर्स वालों से कह दिया कि वो इनफ स्टॉक जो है 15 दिन के लिए अपना इनफ स्टॉक जो है वो जमा कर लें, ताकि लॉकडाउन के दौरान जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट का जो है वो रابطہ बहुत कम से कम होगा, तो किल्लत जो है वो ना हो। सो इस तरह की तमाम चीजें जो है वो डिस्कस की जाएंगी और उम्मीद है कि जो भी डिसीजन होंगे, जो भी फैसले होंगे, वो हम सबके लिए अच्छे होंगे। थोड़ा मुश्किल वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। पहले हम लोग 4-5 महीने से बियर कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उम्मीद है ये वक्त भी जो है गुजर जाएगा और इंशाल्लाह इसके बाद कोरोना जो है वो कम हो जाए। दुआ करेंगे कोरोना की वबा कम्बल ही खत्म हो जाए, लेकिन हर चीज में कुछ टाइम लगता है। बाकी अल्लाह ताला की रजा कि इसमें क्या हिकमत है बीमारी में। सो इंशाल्लाह खैर, अल्लाह ताला अगर हमारा इम्तहान ले रहे हैं तो हमें सुरखरू भी करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें साबित कदम रहेंगे, क्योंकि बीमारियां, मुसीबतें, खुशी, गम, हर चीज अल्लाह ताला ही की तरफ से। सो हमें अल्लाह ताला ही की तरफ रजू करना चाहिए कि या अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें इन मुश्किलात से जो है वो निकाल दे। इंशाल्लाह खैर, तमाम लोगों के लिए दुआ करें, जितने भी लोग बीमार हैं, मरीज हैं, सबके लिए जो है दुआ करें और जो वफात पा चुके हैं उनकी मगफरत के लिए दुआ करें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। शेयरिंग इज केयरिंग, मुश्किल वक्त में जरूरतमंदों का जरूर काम आए। अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।